न्यूमेरिकल नंबर 2.10। इस न्यूमेरिकल में हमें दो वेक्टर्स गिवन है, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी। हमने फाइंड करना है लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी की लेंथ हमने फाइंड करनी है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का मतलब होता है ए कॉस थीटा, यानी कि हमने ए कॉस थीटा फाइंड करना है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मैं आपको प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का थोड़ा बता दूं। लेट करें ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है उसको मैं थीटा से जाहिर कर रहा हूं। अब हमने प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी देखनी है, तो वेक्टर ए के हेड से आप डॉटेड लाइन ड्रा करें जो जाके बी से मिले और बी से इस तरह मिले कि एंगल बने 90 का। देखें इस डॉटेड लाइन का बी के साथ एंगल 90 का बन रहा है। तो ये जो हिस्सा है ये हिस्सा कहलाता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यानी वेक्टर बी के ऊपर वेक्टर ए का साया, जिसको हम ए कॉस थीटा से इंडिकेट करते हैं। अच्छा, ये बात तो समझ आती है कि ये वेक्टर ए था इस वजह से इसकी प्रोजेक्शन का नाम हमने ए लिखा है, लेकिन साथ में हमने कॉस थीटा क्यों लिखा, तो साइन थीटा क्यों नहीं लिखा? तो इसकी रीज़न ये है कि जब हम कोई भी ट्रायंगल सॉल्व करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि ये जो रेफरेंस एंगल होता है, रेफरेंस एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, जो तिरछी लाइन होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज, और जो बच जाती है वो होती है बेस। तो परपेंडिकुलर जो रेफरेंस एंगल है उसके सामने वाली लाइन हम क्या कंसीडर करते हैं, परपेंडिकुलर। तो इसके सामने वाली लाइन जो है ये परपेंडिकुलर कंसीडर होगी, ठीक है। तो हमारी जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन तो ये है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये हमारी प्रोजेक्शन है और ये हमारा वेक्टर। हमारे वेक्टर में एक ये लाइन इस्तेमाल हो रही है और एक ये लाइन इस्तेमाल हो रही है। तो जो इस्तेमाल नहीं हो रही वो थी परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर को छोड़ दें अगर, तो जो बच जाता है वो एक बचती है बेस और एक बचती है हाइपोटेन्यूज। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज जो है वो कॉस थीटा के इक्वल होती है, इसलिए हम ए के साथ लिखते हैं कॉस थीटा, ठीक है। तो ए कॉस थीटा जो है वो कहलाती है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। इसी तरीके से एक स्टेटमेंट है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। अब प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए फाइंड करनी है, तो बी के हेड से आपने डॉटेड लाइन ड्रा करनी है ए के ऊपर। तो ये जो सारा हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वेक्टर ए के ऊपर बी का साया है, यानी कि बी की प्रोजेक्शन है। इसको हम बी कॉस थीटा लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि वेक्टर का नाम बी है इसलिए प्रोजेक्शन में लफ्ज बी हमने ऐड किया है। और कॉस थीटा क्यों लिखा है, क्योंकि थीटा के सामने वाली लाइन जो है वो होती है परपेंडिकुलर। हमारी प्रोजेक्शन में इसका कोई ताल्लुक नहीं है, हमारी प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। और वेक्टर जो है वो यहाँ से यहाँ तक है। तो हमने एक ये लाइन लेनी है, एक ये लाइन लेनी है। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज जो है वो होता है कॉस थीटा, ठीक है। इसलिए हम इधर कॉस थीटा भी लिखना पड़ता है, क्लियर। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको प्रोजेक्शन के बारे में बताया। अब हम कैलकुलेट करते हैं ए कॉस थीटा। हमें पता है कि जो ए डॉट बी है ये इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा के। हमें इधर से ए और कॉस थीटा इसको यहां पे रखना है, बी इधर आके डिवाइड हो जाएगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी से ये वाला बी जो है वो डिवाइड हो जाएगा और इधर क्या रह जाएगा, ए कॉस थीटा। और इसी ए कॉस थीटा को हम कह रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। वेक्टर ए की वैल्यू है हमारे पास आई माइनस टू जे प्लस थ्री के डॉट। वेक्टर बी की वैल्यू है थ्री आई माइनस फोर के डिवाइडेड बाय। और वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस फोर का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड फाइंड करने का ये तरीका होता है, पहली वैल्यू का स्क्वायर जमा दूसरी वैल्यू का स्क्वायर और होल का अंडर रूट। थ्री का स्क्वायर आ जाएगा नाइन, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, फोर का स्क्वायर आ जाएगा सिक्सटीन। नाइन प्लस सिक्सटीन अगर आप करें तो ये आएगा ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव का अंडर रूट आएगा फाइव, ठीक है। तो वेक्टर बी की जो मैग्नीट्यूड है वो फाइव है। इसको आप इस तरह लिखें आपकी मर्जी, या खाली भी लिखें आपकी मर्जी। तो बी की वैल्यू आ गई हमारे पास फाइव। ये इक्वल है ए कॉस थीटा, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी।
डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लीकेशन का असूल होता है आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ। आई की रकम इधर वन है, इधर थ्री है, वन इंटू थ्री थ्री। जे की रकम इधर माइनस टू है, इधर नहीं है, जहां ना हो वहां जीरो कंसिडर होगी। माइनस टू इंटू जीरो जीरो। के की वैल्यू इधर थ्री है, इधर माइनस फोर है। थ्री इंटू माइनस फोर माइनस का ट्वेल्व ओवर फाइव इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। थ्री माइनस ट्वेल्व माइनस नाइन, ये हो जाएगा माइनस नाइन ओवर फाइव इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का आंसर है माइनस नाइन ओवर फाइव। ठीक है,